अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरकान भट्टी। बड़ी अफसोसनाक खबर आज सामने आई। पाकिस्तान में और इंडिया में, दोनों मुल्कों में कुछ ऐसे फैंस मौजूद हैं, बल्कि वाहवा ऐसे फैंस मौजूद हैं जो देखना चाहते हैं क्रिकेट इन दोनों मुल्कों की। एक वो लोग हैं जो कहते हैं यार इंडिया पाकिस्तान को खेलना चाहिए, इंडिया में भी मौजूद हैं ऐसे लोग, पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी, पॉलिटिकल हालात नहीं है, दोनों मुल्कों की आपस में बनती नहीं है, इंडिया हमसे खेलता नहीं है। इंडियंस भी ये बात जानते हैं, पाकिस्तानी भी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। पाकिस्तान ने कभी पॉलिटिकल लेवल पे मना नहीं किया इंडिया को कि आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें या ना खेलें। पॉलिटिकल लेवल पे पाकिस्तान नहीं आता, हमेशा इंडिया की तरफ से ये मसला सामने आता है। बहुत अफसोस हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और पूछे इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि क्यों आपकी गवर्नमेंट मुदाखलत करती है, किस बेस पे। एक नेशनल टीम है यार जिम्बाब्वे की, वो अपने कोच के बगैर पाकिस्तान पहुंच गई है। मतलब इट्स जस्ट लाइक यार कि आप अपने कप्तान के बगैर आप चले गए हैं क्रिकेट खेलने, और आपके कप्तान साहब ही नहीं है। तो कोच की अहमियत है, वो भी कप्तान जितनी है। कोच ने आपको प्लान बना के देना है, कोच ने आपको सारी चीजें रेडी करके देनी है। हेड कोच के बगैर जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में आ गई है, और मतलब दिस इज सीरियस क्वेश्चन मार्क आईसीसी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर। फिर ट्विटर पे काफी लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, फिर क्या वो ठीक कहते हैं? मेरी समझ में तो ये चीज नहीं आ रही। अच्छा, एक होता है ना कि डाउट होता है कि यार पता नहीं कोई और मसला ना हो। यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं है, 110% सबको पता है। और क्लियरली जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज भी दी कि जी हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, इंडियन एम्बेसी ने मना किया है जिम्बाब्वियन कोच को कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। अगर इतनी बड़ी हेडलाइन मिलने के बावजूद भी इंटरनेशनल या इंडियन, आई डोंट नो, जो भी ये क्रिकेट काउंसिल है, वो अगर अभी भी एक्शन नहीं लेती तो ऑनेस्टली यकीन उठ जाएगा यार इंडियन और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। अच्छा नहीं लग रहा। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इंडिया जो पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट को देखना चाहते हैं। यहाँ पे मुझ समेत कई लोग पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को देखना चाहते हैं। फिर मुझे नहीं समझ आती कि हमेशा पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट सियासत की नज़र क्यों हो जाती है। कब यार ये स्पोर्ट्स और सियासत अलहदा होंगी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वैसे तो बड़े प्रोफेशनल बनते हैं, काइंड ऑफ प्रोफेशनल बनते हैं। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आगे आके अपना किरदार अदा नहीं करते, अफसोस है फिर। और ये जी मेरा भतीजा है तलहा, जिसे मैं क्रिकेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, जिसे मैं क्रिकेट की चीजें सिखा रहा हूँ। कल तलहा को मैंने पहला सबक याद करवाया है। तलहा, पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन बाबर है? तलहा, जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के साथ जो ज्यादती हुई है, जो गलत बात हुई है, उनके कोच को यहाँ आना अलाउ नहीं किया गया, क्या वो ठीक है? आजम ज्यादती है ना, देखिए बच्चा भी मान रहा ज्यादती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए, लाजमी पूछताछ करनी चाहिए बीसीसीआई से कि जी किस चक्कर में आपकी जो गवर्नमेंट है वो मुदाखलत कर रही है क्रिकेट में।